दोस्तों क्या आप बोर्ड का वायरिंग करना सीखना चाहते हैं? तो ये वीडियो देखने के बाद आप 100% दोस्तों किसी भी बोर्ड का वायरिंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा किसी भी बोर्ड का वायरिंग करना आप सीख जाएंगे। दोस्तों आपके बोर्ड में कितना भी पिन हो, कितना भी बटन हो, कितना भी सॉकेट हो, आप आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी बोर्ड का वायरिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नॉर्मल बोर्ड का पूरा वायरिंग करके दिखाने वाला हूँ कि एक नॉर्मल बोर्ड में क्या क्या होता है और कैसे कैसे इसका वायरिंग करते हैं, इसको पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 ये 5 बटन है, 2 सॉकेट है, एक रेगुलेटर है, सेलिंग फैन का है, ये फ्यूज है, इंडिकेटर है और ये होल्डर है। आज मैं आपको यही वायरिंग करके दिखाने वाला हूँ। अब आइए अंदर देख लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे बताया मैं, ये होल्डर का बल्ब है, बल्ब मतलब तार है ये, और ये सेलिंग फैन का रेगुलेटर है। अब देखते हैं पहले कैसे किया जाएगा। तो ये पहले जो होता है वायरिंग, पहले यहाँ से शुरू किया जाता है, यहाँ से ये फ्यूज है, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से शुरू होगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें मतलब पूरे पहले बटन में जाएगा, फ्यूज से उठेगा एक तार और पूरा ऐसे बटन से पूरे बटन में जाएगा। अब आइए करके दिखाते हैं आपको, पहले एक तार यहाँ से जोड़ दिखाते हैं आपको। अब आइए, अब यहाँ से यहाँ पहले एक तार जोड़ देते हैं। देखिए मैंने साइज की तार लिया है, काटूँगा इसके। अब यहाँ से एक तार जोड़ लेता हूँ, मैं साइज का तार ले लिया और इसमें जोड़ना है मुझे। ये मेन तार है, ये मेन लाइन है, यही आपको ध्यान रखना है, यही चीज आपको। अब देखिए ये फ्यूज से, इंडिकेटर से, मतलब फ्यूज से उठा, यहाँ पे आया, ये देखिए बटन है। अब इसी बटन में इसी में जाएगा एक ही तार पहले सब में जाएगा, मेन है ये सब मेन है, अभी मेन चल रहा है, अर्थिंग नहीं चल रहा है। और अब यहाँ से एक तार ले चलाऊँगा, यहाँ तक आएगा इन चारों में से, अभी इसको शार्ट करूँगा मैं। देखिए मैं इसको साइज का एक तार काट लिया है पहले से ही, अब दिखा दे रहा हूँ। ये समझाने के लिए मैंने आपको वैसे जोड़ दिया था, तो फिर से नहीं क्या आपको जोड़ रहा हूँ। देखिए यहाँ से उठा, यहाँ आया, यहाँ आया, अब इन चारों में से ऐसे ऐसे लगेगा। अब ये समझ लीजिए आपका आधा काम पूरा हो गया, ये समझ लीजिए ये मेन फेस का वायरिंग हो गया। इसमें से इसमें आएगा, पहले जिससे जिससे लाइट आती है उससे आपको तार लगाना है। पहले लाइट इसमें आती है तो इसमें आपको लगाना है, फिर इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी, इसमें आएगी, फिर इसमें आएगी। पहले बटन में लाइट आती है तो इसलिए आपको अच्छे काम लगाना है। अब यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लगाया कि आपको यहाँ पर सामने जो ये लगाना होता है ना, इसलिए मैंने छोड़ा है यहाँ से लाइन, ये खुद जगह लाइन, इसीलिए मैंने अब छोड़ा है। अब यहाँ पे आपका मेन जो तार आएगा, मेन तार बिजली से, पावर हाउस से, खंभे से जो आएगा यहाँ पे लगेगा, इसलिए मैंने इसे छोड़ा है। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे या आपका आधा काम पूरा हो गया। अब लाइट इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, अब आपको इसी तरह से वायरिंग करना है। देखिए अब इस बटन से हमें इसको चलाना है और इस बटन से इसको चलाना है, तो आपको क्या करना होगा बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से अब नीचे मैंने लगाया है तो ऊपर से आपको ये आप करना है।
अब ये बटन से ये काम करेगा और इस बटन से अभी इसको लगाऊंगा तो ये काम करने लगेगा। अब जो एक एक छुटा है ये अर्थी है आपका, ये अर्थ है, यहाँ पे एक एक तार अर्थ का आएगा, एक एक बार यहाँ पे अर्थ का छुटा हुआ है अर्थ डाल देंगे तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। आपको यही ध्यान रखना है कि एक को मेन और एक को अर्थ मिलना चाहिए, तभी आपका काम पूरा होगा, तभी लाइट दोनों में आएगी। अब इसके लिए अब तार और ले लेता हूँ, इस यहाँ से काटनी है, यहाँ से इतना बड़ा साइज लेता है, इसके यहाँ पहुँचाना है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पहुँचाना है, तो यहाँ ले लेता हूँ। अब ध्यान रखिए, अब मैं अर्थिंग दे रहा हूँ, ये मेन का काम हो गया, मेन सब में पहुँच गया है, अब अर्थ पहुँचा रहा हूँ। अभी बल्ब में और रेगुलेटर में मेन नहीं पहुँचा है, उसको भी दिखा रहा हूँ, लेकिन इन दोनों में मेन पहुँच चुका है। अब देखिए, अब इन दोनों में अर्थिंग हो गया, अब अर्थिंग मुझे यहाँ से लेनी है, यहाँ से यहाँ एक अर्थिंग डालनी है, इसका इसको भी चलना चाहिए, इंडिकेटर है ना, इसको भी चलना चाहिए, इसको भी एक मेन चाहिए, इसको भी एक अर्थिंग चाहिए, तभी ये चलेगा। इसलिए मुझे एक यहाँ से यहाँ इसको डालना है, यहाँ से यहाँ। इसलिए मैं खोल रहा हूँ कि आपको बारीकी से सब मालूम पड़ जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ कोई चीज़, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से अब देखिए, ये बल्ब तार है, इसीलिए डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ, ये होल्डर है, ये इसमें, अब इसमें भी एक मेन है, एक अर्थिंग है, तो अर्थ मैं इसी से दे रहा हूँ, ये देखिए यही है आपका अर्थ, मैं अब इसी से एक अर्थ ये ले लिया। अब ये अर्थ मैं यहाँ दे रहा हूँ, बटन से काम करे, ये अर्थ एक को मैंने अर्थ दे दिया, अब ये इसमें एक अर्थ हो गया, इसमें एक अर्थ हो गया, इसमें एक अर्थ हो गया, अब इसको यहाँ पे लगाना है, अब इसमें यहाँ पे लगा दूंगा मैं। अब इसके बाद अब बल्ब का एक तार बच गया है, अब इसको क्या करना है, इसको आपको जिस बटन से करनी है उसी में इसको लेके डाल दीजिए। अब इन चारों में से आपको किसमें करनी है यही लेकर डाल दीजिए। अब मान लो मुझे इस बटन से करनी है, ये खाली है, देखिए इसका हो गया, ये इसका हो गया, अब ये दोनों खाली हैं, इसी दोनों में से चाहे जो कर दीजिए, इन्हीं दोनों में से चाहे जिसमें डाल दीजिए, इसमें से ये हो गया, इससे ये हो गया, इस बटन से, अब ये दोनों खाली है तो बल्ब को लगाना है, बल्ब को जलाना है, तो इसमें डाल देता हूँ मैं, बल्ब को इससे कर देता हूँ। ये देखिए, अब आपका जब ये आप ठीक करेंगे तो आपका बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक फेस बल्ब को मेन मिल गया, एक फेस अर्थ मिल गया, अब ये अर्थिंग फेस कंप्लीट हो गया। अब बच रहा है आपका ये पंखे का, तो पंखे को आपको किससे करना है ये आपको ध्यान देना है। अगर आपको पंखे को इससे करना है, अब यही बचता है पंखे को आप इससे करेंगे, तो एक फेस पंखे का इसमें डाल दीजिए, जो पंखे से दो तार निकल के आएगा तो एक तार इसमें आप लगा दीजिए परमानेंटली पंखे का, और एक तार इसको इसमें डाल दीजिए, इसको इसमें डाल दीजिए, एक तार इसमें लगा दीजिए, अगर पंखे का अब एक तार बचेगा, एक तार जब बचेगा वो अर्थिंग रहेगा, या तो इसमें डाल दीजिए, या तो इसमें डाल दीजिए, या तो इसमें डाल दीजिए, मैं करके आपको दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए फैन से दो वायर आया आपका, ना दो वायर आ रहा है, आप एक को इसमें ऐसे डायरेक्ट लगा दीजिए, लगाने के बाद अच्छे से टेप मार दीजिए इस पर, ये आपका हो गया। अब पंखे का एक वायर बच रहा है, अब इसको पहले छोड़ दीजिए, रेगुलेटर से धीम तेज करने के लिए, चालू करने के लिए पहले इसे एक बटन में डाल दीजिए। ये हो गया, ये इस बटन से हो गया,
अब ये बच रहा है, अब ये वायर जो बच रहा है इसको मैंने कहा ये आपका अर्थिंग हो गया, ये मेन हो गया, या पंखे को भी एक मेन फेस चाहिए एक अर्थिंग चाहिए। अब मेन फेस हो गया पंखे का, अब इसको ये यहाँ डाल दीजिए, यहाँ तो यहाँ डाल दीजिए, तो यहाँ तो डाल दीजिए, चाहे जहाँ आप इसको डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं ऐसे आपको डाल के दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया, इसको आप अच्छे टेप मार दीजिए। अब देखिए देखिए, अब इसमें हमको अब पूरे बोर्ड में इसको लाइट लाना है, तो मैं आपको दो तार डाल के दिखा दे रहा हूँ खम्भे से कैसे तार आप लेकर आएंगे। अब ये आपका एक अर्थ हो गया, अर्थ यहाँ से निकलेगा, इसलिए मैंने इसको कसा नहीं अभी। अब यहाँ से जब आप उठेंगे उठाएंगे इसको, एक जमीन से आएगा या अर्थिंग, मतलब जहाँ जहाँ से आएगा ये अर्थ बन जाएगा और ये आपका मेन फेस बनेगा। इसको आप ये देखिए, ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका मेन फेस हो गया, तो ये आपका बोर्ड बन के तैयार हो गया, ये पूरा आपका सॉल्व हो गया। और आपको कहीं भी दिक्कत रहा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूरा आसान से मैंने बता दिएगा। फिर से दौड़ा के मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले लाइट यहाँ पे आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन आपका इंडिकेटर अभी नहीं चलेगा, यहाँ पे इंडिकेटर आपका नहीं चलेगा। इंडिकेटर के लिए आपको यहाँ से एक वायर यहाँ का, क्योंकि इसको भी मेन और अर्थिंग चाहिए, इसको जलने के लिए यहाँ से आपको एक मेन यहाँ से देना पड़ेगा। फिर इसमें भी एक मेन आएगी, एक अर्थ पहले से है ही इसमें, तो ये भी जलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ से ऐसा करना है आपको, क्योंकि हर चीज़ को मेन और अर्थिंग दोनों चाहिए, तभी चलेगा। ये देखिए, एक तार मैंने यहाँ से जोड़ दिया, अब इसमें भी आपका मेन पहुँच गया। अब एक मेन से यहाँ पे एक चला गया, अब इसको अर्थ मिल गया, अब इंडिकेटर भी आपका जलना शुरू हो जाएगा। ये आपका पूरी तरह से परफेक्ट एक बोर्ड बिजली का बन के तैयार हो गया है। अब आपको कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और देखिए एक बार दौड़ा के बता दे रहा हूँ फिर से, देखिए मेन पर से खम्भा पर से आपका वायर एक यहाँ से आया, फिर बिजली यहाँ आएगी, फिर इसके बाद बटन में आएगी, फिर इसके बाद पहले पूरे बटन में जाएगी। अब बटन से जाने के बाद अब यहाँ से बिजली यहाँ पे जाएगी, तो एक तार आपको यहाँ से डाल देना है। अब यहाँ पे आपको देना है एक फेस, एक बटन से इसको देना है। अब एक ही बटन बचा रहेगा तो ये सब अर्थिंग हो जाएंगे। देखिए अर्थ यहाँ से अर्थ भी आया है, यहाँ से मेन भी एक आया है, तो देखिए अर्थ भी हो गया और हर चीज़ को एक अर्थ एक मेन मिल गया। इसको भी एक अर्थ मिल गया, इसको भी एक मेन मिल गया, पंखे को भी ये मेन हो गया, सॉरी ये मेन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये सब मिल गया। अब मैं फ्रेंड्स आपको चला के दिखा दे रहा हूँ ये कैसे चलेगा, अब चलता है सही बना है कि नहीं, मैं आपको सबको दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको फ़ैन को मैं फॉर एग्जाम्पल लगाया था, ये दिखाया था फैन, पंखे का मैं निकाल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मैं समझा रहा था मेरा पंखा नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं, मतलब देखिए मैं तार वैसे ही लिया था इसको समझाने के लिए आपको, ये पंखे का मैं निकाल दे रहा हूँ तार। अब यहाँ पे आपको दो तार मैं लगा कर दिखा दे रहा हूँ, अब इसी से मैंने देखी ये आपका मेन हो गया, आपका अर्थिंग हो गया। मैंने दोनों तार भाई आपको लगा के दिखा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है बोर्ड, देखिए चलाता लगा के दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर आपका जल रहा है, देख लीजिए ध्यान से। अब बल्ब भी लगा के अब दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए देखिए सब कुछ यहाँ पे सही है, देखिए पूरा बोर्ड का वायरिंग हो गया है।
पंखा भी है, मैंने आपको दिखाया था, पंखा नहीं है मेरे पास ना, तो मैं आपको अभी बता देता पंखा का, चला कर दिखा देता, पंखा नहीं है इसलिए मैं आपको बल्ब सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। पूरा बोर्ड कंप्लीट वायरिंग आपका होकर तैयार हो गया है, ये देखिए ध्यान से, जैसे मैंने बताया था सब कुछ वही है, कोई इसमें ये मत सोचना कि फेक है, काट कर दिया, वीडियो कट करके बनवा दिया दूसरे से, ये सब ना ये देख लीजिए पूरा तैयार हो गया। अब आप इसी तरह से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप हमें तुरंत बेझिझक पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद तो वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अब चलिए दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।